सेकेंड क्वांटम नंबर जो है बच्चों वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग एल से रिप्रेजेंट किया करते हैं बच्चों, और इसे और भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इसे आप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसे आप बच्चों सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। भाई पहला वाला जो था वो था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये क्वांटम नंबर को आप सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसे हम लोग सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी कहा करते हैं, काफ़ी सारे नामों से पुकारा जाता है। ऑफकोर्स द मोस्ट पॉपुलर वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल एल, एल से रिप्रेजेंट इसे किया जाता है बच्चों। और ये जो क्वांटम नंबर है ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में है, इन विच सब ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में है। देखिए मैंने जैसा आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को हम एक मोटर बाइक मोटरसाइकिल मान के चलते हैं और ऑर्बिट को एक हाईवे मान के चलते हैं। ये लीजिए साहब एक हाईवे है, ये एक हाईवे है बच्चों, सपोज कर लीजिए इस हाईवे को मैंने चार लेन्स में डिवाइड कर दिया, ये लीजिए चार लेन्स में डिवाइड कर दिया भाई, एक फोर लेन का हाईवे है। सपोज कीजिए कोई हाईवे हमारे पास में जिसको हम नाम दे देते हैं, चलिए ए बी रोड, भाई ए से बी तक या बी से ए तक जा रही है, हमने दो स्टेशन ले लिए, कोई भी दो प्लेसेस ले ली, एक ए और एक बी, सो ए बी रोड हम लोगों ने कंसिडर कर ली साहब। अब ये जो है बच्चों दिस इज़ अ हाईवे, अब इलेक्ट्रॉन आपको ये मालूम पड़ गया कि कौन से हाईवे में है। सपोज कीजिए आपको मालूम पड़ गया कि साहब एन इक्वल्स टू फोर है, मतलब आपको मालूम पड़ गया फोर्थ ऑर्बिट में, लेकिन अब आपको ये मालूम करना है बच्चों कि वो इस हाईवे के कौन से लेन पर है। एक्चुअली हम लोग बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जितना ज़्यादा पास पहुँच सकते हैं उतना ज़्यादा पास पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हाइजनबर्ग बोल रहा है कि आप पोजिशन और मोमेंटम दोनों को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो आप जितनी ज़्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सको निकालो। भाई मैंने आपसे जैसा कहा कि क्वांटम नंबर्स हमको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वन बाय वन वी आर जितना क्लोज जा सके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले आपको मालूम पड़ गया साहब, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मालूम पड़ गया, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि साहब इलेक्ट्रॉन कौन से हाईवे पर है, कौन से मेन रोड पर है, अब उसकी कौन सी लेन पर है बच्चों ये बताएगा। सो दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट बच्चों सब ऑर्बिट, कौन से उपकक्ष में, कौन से सब ऑर्बिट में। ये जो एल है बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू बच्चों 0, 1, 2 से लेकर n माइनस 1 तक हो सकती है बच्चों। इट्स वैल्यू मे बी समवेयर फ्रॉम 0 to n-1, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, इसकी वैल्यू बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी हो सकती है n-1, 0 से लेकर n-1। n स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं क्या इससे कहना बताना चाह रहा हूँ आप समझते हैं भैया। देखिए सबसे पहले अगर L की वैल्यू 0 है, इफ़ L इक्वल्स टू 0 तो इसका मतलब होगा बच्चों S सब ऑर्बिट, अगर L की वैल्यू 0 है बच्चों तो इसका मतलब S सब ऑर्बिट, अगर L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब होगा बच्चों P सब ऑर्बिट, अगर L की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब होगा बच्चों D सब ऑर्बिट, अगर L की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब होगा बच्चों F सब ऑर्बिट। भाई ये एस पी डी एफ के बारे में अभी हम लोगों ने ऑर्बिटल के समय पर पढ़ा था बच्चों। एस का मतलब यहाँ पर क्या था, एस का मतलब मैं आपको याद दिलाऊं, एस वाज स्टैंडिंग फॉर शार्प, पी वाज स्टैंडिंग फॉर प्रिंसिपल, और बच्चों डी का मतलब यहाँ पर क्या होता है डिफ्यूज, और F का मतलब क्या होता है बच्चों, F का मतलब होता है फंडामेंटल, ये आप लोग जानते हैं। इसमें से हम लोगों ने देखा था बच्चों कि जो F होता है उसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी कन्वीनियंट नहीं होती है, तो हमें ड्रा वरा कुछ करना नहीं पड़ा था। इसके अलावा बच्चों आप एक और भी लिख सकते हैं, L इक्वल्स टू 4, L इक्वल्स टू 4 जो होगा बच्चों वो होगा G, और G से मतलब यहाँ पर होता है बच्चों जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड ये बच्चों, तो ये जी है, ऐसे एच भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, बट हमारा काम चार में ही हो जाता है, हमें इसके ऊपर बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बच्चों ये जो है ये आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में है, दिस क्वांटम नंबर विल गिव यू द आइडिया अबाउट सब ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में, कौन से उपकक्ष में। जैसे ही मुझे बोला एल इक्वल्स टू 1 मेरे दिमाग में खट से घंटी बजेगी, भैया वो पी सब ऑर्बिट है,
मेरे को बोला एल इक्वल्स टू 3 तो घट से घंटी बजेगी भैया, वो एफ सब ऑर्बिट है। सो ये बच्चों क्वांटम नंबर जो है आपको ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में, कौन से उपकक्ष में, कौन सी उपकक्षा में है। और जो है साहब आपको ये मालूम पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में है। तो इस क्वांटम नंबर से आपको क्या मालूम पड़ जाएगा बच्चों, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि उस सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिट इज गिवन बाय बच्चों अंडर द रूट ऑफ एल, एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। किसी भी सब ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है अंडर द रूट एल, एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। इफ़ यू डू रिमेंबर बच्चों, हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम जिसे हम एल से या जे से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज बेसिकली इक्वल टू एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस, इन तीनों का प्रोडक्ट, विच वॉज इक्वल टू बच्चों एन एच अपॉन 2 पाई। सो दिस वॉज द एंगुलर मोमेंटम इन nth orbit में था बच्चों। लेकिन दिस टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट सब ऑर्बिट। किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम हो सकता है दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट एल, एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। एच तो भैया वही है जिसको आप प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं, 2 तो 2 है, पाई पाई है, और एल जो है बच्चों वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हिंदी में बच्चों में बता दूं द्विघंशी क्वांटम संख्या कहा जाता है। द्विघंशी क्वांटम संख्या या कोणीय संवेग क्वांटम संख्या या द्वितीयक क्वांटम संख्या, हिंदी माध्यम के लोगों को मैं एक बार जरूर बता दिया करता हूँ। कोशिश ये रहती है कि हाँ उन्हें भी मेरी बात समझ में आ जाए। इस चक्कर में ये हो सकता है भैया कि जो अंग्रेजी माध्यम के लोग हैं वो थोड़े से कन्फ्यूज हो जाएं ये क्या हो रहा है। एनीवेज सो किसी भी सब ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा अंडर द रूट एल, एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। जैसे अगर एस सब ऑर्बिट है बच्चों तो एस सब ऑर्बिट के लिए क्या होगा, एस सब ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 0। एल की वैल्यू अगर 0 होगी बच्चों तो एंगुलर मोमेंटम होगा अंडर द रूट 0 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। सॉल्व कर लीजिए, 0 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यदि मैंने L की वैल्यू 1 ले ली तो L की वैल्यू 1 ले लेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा, दिस वुड बी इक्वल्स टू अंडर द रूट h अपॉन अंडर द रूट 2 h अपॉन 2 पाई। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूं तो ये 2 है, ये 2 प्लस 1 है, और ये बच्चों एच अपॉन 2 पाई है, और ये सॉल्व कर लेने पर बच्चों आएगा √6 एच अपॉन 2 पाई। और बच्चों F के लिए, ये F के लिए L की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये 3 प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, और 3 4 जा बच्चों 12, सो दिस इज √12 एच अपॉन 2 पाई। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिट। किसी भी सब ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये होगा, S में कितना, P में कितना, D में कितना और F में कितना। देखिए बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, जो द्विघंशी क्वांटम संख्या होती है, उसकी वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1 ही होती है। अब ये जितने भी क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे बच्चों वो सब आप देखेंगे वो हमेशा कुछ ऐसे लिए जाते हैं कि उनके बीच में डिफरेंस 1 रहता है, इनके बीच में 1 1 1 1 हमेशा। आप जितने भी पढ़ेंगे अभी 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, आपको मेरे कहने का आशय क्या है समझ में और बेहतर आ जाएगा। अभी मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ बच्चों, अगर एल इक्वल टू 0 है तो श्योर है बच्चों वो एस सब ऑर्बिट है। जैसे एन जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता था बच्चों इलेक्ट्रॉन कौन से हाईवे पे है, कौन से ऑर्बिट में है। ये बच्चों आपको बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में, तो दिस क्वांटम नंबर इज गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट के अलावा बच्चों यहाँ हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है। देखिए जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि ईच एंड एवरी क्वांटम नंबर is giving you some information about electron. So this quantum number is giving us information about suborbit. इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में, ये क्वांटम नंबर हमें बच्चों बता रहा है इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इन अ सब ऑर्बिट। किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या है, विच इज इक्वल टू बच्चों अंडर द रूट एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट, किसी उपकक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग।
जैसा कि आपके समक्ष लिखा भी, एस में कितना होगा, पी में कितना होगा, डी में कितना होगा और एफ में कितना होगा, जितना भी कुछ लिखा है बच्चों, ये आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए, तभी आपको याद भी हो पाएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो काइंडली अलाउ मी टू रब दिस ऑफ। सो बच्चों ये मैं हटा देता हूँ और अब आगे सुनिएगा साहब। जैसा मैंने कहा आपसे बच्चों कि जो एल होता है, एल की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक होती है। L की वैल्यू बच्चों 0 से लेके n-1 तक होती है और इसी को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से अब समझते हैं बच्चों। ये लीजिए साहब, मैं बताता हूँ आपको। चलिए हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पे शेल, शेल बोल दीजिए या ऑर्बिट बोल दीजिए, वाट एवर, ये शेल है बच्चों। और यहाँ लेते हैं हम उसका n, n यानी क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और L, L की वैल्यू क्या बच्चों, 0 से लेके कहाँ तक होती है, इट्स वैल्यू लाइज फ्रॉम 0 to n-1। इसका मान बच्चों 0 से n-1 के बीच होता है। और इससे कौन सा सब ऑर्बिट बनेगा बच्चों, वो हम समझते हैं, कौन सा सब ऑर्बिट बनेगा। तो चलिए साहब, जैसे अगर मान लीजिए मैंने K शेल की बात करी, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1। K शेल के लिए n की वैल्यू 1, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, उसकी वैल्यू होगी बच्चों 1। तो अब यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे L की वैल्यू कितनी होगी, एज यू कैन सी दैट L की वैल्यू बच्चों 0, 1, 2 से लेके कहाँ तक भैया, n-1 तक। तो यहाँ पर आप L की, N की वैल्यू कितनी है 1, तो 1-1 कितना होता है, 1-1 होता है 0, मतलब L की वैल्यू बच्चों 0 से लेके 0 के बीच रहेगी, मतलब L की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 रहेगी। यहाँ पर L की वैल्यू जो आएगी बच्चों विल बी इक्वल टू 0, और 0 मतलब क्या बच्चों, S सब ऑर्बिट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा S सब ऑर्बिट मतलब L इक्वल टू 0, और L इक्वल टू 0 मतलब S सब ऑर्बिट। सिंपल सी बात है बच्चों। अभी देखिए ये हमारे पास में जो है बच्चों, अगला शेल जो होता है K के बाद में मेरे ख्याल से L ही आता है, और N की वैल्यू 2 होगी बच्चों। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, L की वैल्यू बच्चों 0 से लेके 2-1। भाई N कितना है, स्मॉल n है बच्चों 2, तो L की वैल्यू 0 से लेके 2-1 यानी कितना, 0 से 1। तो L की वैल्यू हो जाएगी बच्चों एक 0 और एक 1, और 0 और 1 मतलब क्या बच्चों, 0 मतलब S, 0 मतलब क्या बच्चों, S हो गया ये लीजिए, और 1 मतलब यानी क्या बच्चों, P हो गया। तो यहाँ कौन कौन से सब ऑर्बिट आए, S और P। अभी जब आप समझ रहे हैं बच्चों तो केवल समझने का काम करा करें, जो मैं क्लास में मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोला करता हूँ कि जब समझ रहे हैं तो केवल समझिए, लिखिए मत, आराम से, हमारे पास बहुत समय है, समय की कोई कमी नहीं है, पर एक बार समझ लीजिए यहाँ बैठ जाएगा, उसके बाद में आप बाद में वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, साथ साथ कॉपी करेंगे तो नुकसान में रहेंगे। क्योंकि देखिए बच्चों, फिर शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं अकलमंद जो दोनों जगह पर एक साथ काम कर लेते हैं, बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच ब्रिलियंट इनफ, सो दे आर अलाउड, दे आर सजेस्टेड that they should first of all learn and thereafter copy करिए, क्योंकि अगर आप साथ के साथ करेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं ध्यान भटेगा और आपकी जो कॉपी है वो आप एग्जाम में लेके नहीं जाएंगे, आप यही दिमाग जो है आपके पास बच्चों यही लेके जाएंगे, तो इसमें स्टोर कीजिए, उसमें स्टोर करेंगे, बाद में भी करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत में आएंगे, क्योंकि उसमें स्टोर करने से भी यहाँ पर स्टोर जरूर होता है बच्चों। तो ये नहीं कि सर हम तो यहीं पर स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पर नहीं करते। एनीवेज, सो L शेल के में बच्चों स्मॉल n की वैल्यू 2, तो L की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 और 1 आ जाएगी भाई, 0 से लेके 2-1 यानी 0 और 1। अब इसमें कौन कौन सा है बच्चों, S और P आए। अब जरा समझिएगा बच्चों, यदि मैं बात करता हूँ N शेल की, सॉरी L के बाद में कौन सा शेल आता है, इसके बाद में आता है बच्चों M शेल, M शेल में N की वैल्यू कितनी बच्चों, 3, L की वैल्यू 3 है, तो L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, L की वैल्यू जो होगी वो होगी कितनी बच्चों, 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी, बिकॉज 0 से लेके 3-1 यानी कि 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 3-1 यानी कि 0 से लेके 2 तक, और इसमें S आएगा बच्चों, इसमें P आएगा बच्चों, इसमें D आएगा।
तो एस है, पी है और डी है। इसके बाद में बच्चों बारी आती है एन शेल की, जिसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू 4, एल की वैल्यू बच्चों 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। स्मॉल एल की वैल्यू बच्चों 0 से लेके 4-1 और 0 से लेके 4-1 यानी कितना बच्चों 0 से लेके 3 तक। अब इससे क्या होगा बच्चों, इससे होगा एस, इससे होगा पी, इससे होगा डी और इससे होगा बच्चों एफ। तो क्या क्या आ गया, एस आ गया, पी आ गया, डी आ गया और एफ आ गया। भाई जीरो मतलब क्या एस, वन मतलब क्या पी, टू मतलब क्या डी और थ्री मतलब क्या बच्चों एफ, ये आ गया। और इसके बाद में बच्चों हम बात करें यदि के एल एम एन ओ शेल के बारे में बात करें तो एन की वैल्यू जो होगी बच्चों दैट वुड बी इक्वल्स टू 5, एन की वैल्यू 5 होगी। तो यहाँ से बच्चों जो एल है उसकी वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4, इट इज 0, 1, 2, 3, 4। और इसमें कौन कौन से सब ऑर्बिट बनेंगे बच्चों, एस बनेगा, पी बनेगा, डी बनेगा, एफ बनेगा और बच्चों जी भी बनेगा। जनरलाइज्ड, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल एंड जनरलाइज्ड। सो बच्चों ये आपके पास में अगर आपको क्या मिल जाता है, अगर आपके पास में एन है बच्चों तो आप देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से सब ऑर्बिट होंगे, कौन कौन से सब ऑर्बिट होंगे बच्चों। इसमें कौन सा आया एस आया, इसमें कौन सा आया बच्चों एस और पी, इसमें कौन सा आया बच्चों एस पी और डी, इसमें कौन सा आया एस पी डी और एफ, इसमें ये आप देख रहे हैं। अच्छा इनको और ज़्यादा डिटेल में अगर मैं लिखना चाहूँ बच्चों तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसा अभी आप लोगों ने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन के टाइम पर भी देखा था। तो मैं एक काम करूँ बच्चों, थोड़ी सी स्पेस बनाते हुए मैं यहाँ पर और लिखता हूँ। जैसे ये एस, तो एस का मतलब यहाँ पर कौन सा होगा बच्चों, दैट वुड बी 1s, 1s, 1s का मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का कौन सा सब ऑर्बिट। भाई आपको ये बताना है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी हाईवे पर है वो तो बताना है, और कौन सी लेन पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब थर्ड नंबर की लेन पर है। अब थर्ड नंबर की लेन पर है तो वो कौन से हाईवे की लेन थर्ड नंबर है वो भी तो बताइए। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे शायद कि मैं बोल रहा हूँ साहब, पहले तो मुझे ये मालूम पड़ गया, अगर मुझे एन मालूम पड़ गया तो मुझे ये मालूम पड़ गया मेरा इलेक्ट्रॉन कौन से हाईवे पर है, हाईवे मुझे मालूम पड़ गया। तो अब मुझे, मैंने बोल दिया कि सर हाईवे नंबर 3-5 पर है, ओके। अब मैं बोलूँ लेन 3 पर है, तो लेन 3 अगर मैं केवल लेन 3 बोलूँगा तो भी काम नहीं चलेगा, केवल हाईवे बोलूँगा तो भी काम नहीं चलेगा, मैं दोनों को अगर एक साथ बोलूँगा तो ज़्यादा बेहतर काम होगा। तो मैं बोलता हूँ अगर हाईवे नंबर 5 की थर्ड लेन पर है तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, केवल थर्ड लेन पर है, केवल हाईवे नंबर 5 पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं कैच हो पा रही। सो ये बच्चों अगर मैं बोल रहा हूँ एस सब ऑर्बिट मतलब कौन सा, 1s सब ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट का एस सब ऑर्बिट। यहाँ पर क्या बच्चों, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये सेकेंड ऑर्बिट का बच्चों, इसलिए ये 2s होगा और 2s और ये क्या होगा बच्चों 2p, 2s और 2p, सेकेंड ऑर्बिट का s और सेकेंड ऑर्बिट का p। अब यहाँ अगर बच्चों मैं आता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो होगा बच्चों ये थर्ड ऑर्बिट का s, थर्ड ऑर्बिट का p और थर्ड ऑर्बिट का बच्चों d, थर्ड ऑर्बिट का s है, थर्ड ऑर्बिट का p है और थर्ड ही ऑर्बिट का क्या होगा बच्चों d, s p और d थे तो इसमें कौन कौन आया बच्चों 3s आया, 3p आया और 3d आया। उसके बाद में बच्चों यहाँ अगर हम देखें तो ये क्या होगा, इसमें कौन होगा बच्चों, इसमें होगा 4s, 4p, 4d और 4f, 4s, 4p, 4d और 4f, मतलब क्या बच्चों, फोर्थ ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का d सब ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट का f सब ऑर्बिट। लाइक वाइज बच्चों इफ आई से ये बोलता हूँ मैं तो ये होगा 5s मतलब फिफ्थ ऑर्बिट का s सब ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट का p सब ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट का d सब ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट का f सब ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट का बच्चों g सब ऑर्बिट। तो ये बच्चों हमें जो है कौन सा सब ऑर्बिट है हमें ये मालूम पड़ रहा है, केवल एस और पी बोलता तब भी ठीक था, लेकिन अगर मैंने आगे उसके लगा दिया कि वो कौन से ऑर्बिट का है तो वो जरा मेरे दिमाग में ज़्यादा बेहतर तरीके से अपील कर पाएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से वो मुझे एक्सप्लेन कर पाएगा। तो बच्चों ये 1s था, ये 2s 2p वगैरह वगैरह। अच्छा यहाँ आप एक और बात समझ सकते हैं बच्चों कि इस तरह से हम अगर किसी भी सब ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट देखें बच्चों, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स, तो आप देखिए इसमें कितने सब ऑर्बिट आ रहे हैं, पहले वाले शेल में कितने सब ऑर्बिट आए, केवल ये एक ही आया 1s। फर्स्ट ऑर्बिट में
कितने सब ऑर्बिट आए? सिर्फ एक, वन एस. सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट आए बच्चों? 2s और 2p, 2s और 2p, मतलब हाउ मेनी सब ऑर्बिट्स वी डू हैव? टू सब ऑर्बिट्स. थर्ड ऑर्बिट में बच्चों, थर्ड ऑर्बिट में एल की वैल्यू ये आई थी, कितने सब ऑर्बिट आए? इसमें बच्चों आपके पास में तीन सब ऑर्बिट आए. इसी तरीके से बच्चों मैं फोर्थ ऑर्बिट की बात करता हूं, तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट आएंगे? फोर्थ ऑर्बिट में बच्चों कितने सब ऑर्बिट आएंगे? एक, दो, तीन और चार. और इसी तरीके से बच्चों हम अगर किसी भी फिफ्थ ऑर्बिट की बात करें, तो फिफ्थ ऑर्बिट में एज यू कैन सी 1, 2, 3, 4 and 5 सब ऑर्बिट्स हैं. सो दिस इज बच्चों हाउ मैनी सब ऑर्बिट्स. कितने सब ऑर्बिट होंगे बच्चों, ये आपके पास में वो इन्फॉर्मेशन आएगी. तो हमें पिछले वाले से क्या था बच्चों, देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें मालूम पड़ता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, और इससे हमें मालूम पड़ता है इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में. और आप एक बात देख सकते हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चों, किसी भी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हैं दैट यू कैन काउंट. और बड़ी सिंपली आपको दिख रहा होगा बच्चों कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट है. इधर देखते चलिए, फर्स्ट में कितना? वन. सेकंड में कितना? दो. थर्ड में कितना? थ्री. फोर्थ में कितना? फोर. और फिफ्थ में कितना बच्चों? फाइव. कुल मिलाकर एक सिंपल सी मेरे पास में एनालॉजी बनकर ये आ रही है बच्चों कि किसी भी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट होंगे बच्चों n. हाउ मैनी सब ऑर्बिट्स आर देयर इन एनी nth ऑर्बिट? बच्चों किसी भी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट की संख्या, उपकक्षों की संख्या जो होती है बच्चों वो n होती है. अब फर्स्ट वाले में एक आए, सेकंड वाले में दो आए, थर्ड वाले में थ्री आए, फोर्थ वाले में फोर आए, और फिफ्थ वाले में बच्चों पांच आए. आप ये देख लीजिए, किसी भी nth ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट आ रहे हैं? केवल एक. सेकंड में कितने आ रहे हैं? दो. थर्ड में कितने आ रहे हैं? थ्री. फोर्थ में कितने आ रहे हैं? फोर. और फाइव में. सो किसी भी nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ सब ऑर्बिट जो होंगे बच्चों वो कितने होंगे? n होंगे. ये एक बात. और यहाँ पर एक और बात आप समझिएगा बच्चों कि आप देखिए, आपको फर्स्ट ऑर्बिट में S मिला, क्या फर्स्ट ऑर्बिट में आपको P मिला? 1P मिला? नहीं मिला बच्चों. आपको यहाँ पर 1P नहीं मिल रहा, आपको केवल 1S मिल रहा है. 1S मिला लेकिन 1P मिला? नहीं मिला. इसी तरीके से, या ऐसा क्यों नहीं मिला अपन वो भी समझ लेते. चलिए अगर मैं बोलता हूँ 1P, तो 1P मतलब क्या? N की वैल्यू कितनी बच्चों? 1. और L की वैल्यू कितनी? 1. जरा खोपड़ी लगाइए भाई, मैं बोल रहा हूँ 1P. 1P मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, और P मतलब P सब ऑर्बिट. तो 1P में क्या होगा? N की वैल्यू भी 1 और L की वैल्यू भी 1. तो क्या N की वैल्यू 1 होने पर L की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि L की वैल्यू 0 से लेकर N-1 तक होती है. तो अगर N की वैल्यू 1 होगी भैया, तो L की वैल्यू 0 से लेके 1-1 यानी कि 0 से लेके 0 तक होगी. तो L की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? हद से हद 0 होगी. 1 तो नहीं हो पाएगी, दैट वॉन्ट बी इक्वल टू 1. तो बच्चों ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है. 1P पॉसिबल नहीं है. इसी तरीके से बच्चों हम अगर बात करें किसके बारे में, टू सेकेंड ऑर्बिट में, तो सेकेंड ऑर्बिट में आपको 2s मिला बच्चों, 2p मिला, लेकिन क्या आपको सेकेंड ऑर्बिट में d मिला? सेकेंड ऑर्बिट में आपको d नहीं मिला, 2d नहीं मिला आपको. 2s मिला, 2p मिला, लेकिन 2d नहीं मिला. क्यों नहीं मिला 2d? वही बात है बच्चों, अगर मैं 2d लेता हूं तो n की वैल्यू 2 और d की वैल्यू भी 2. जबकि नियम ये कहता है कि अगर n की वैल्यू 2 है तो d की वैल्यू 0 से लेकर 2-1 तक, यानी कि 0 से लेकर 1 तक होगी. सो दिस इज नॉट पॉसिबल. तो बच्चों फर्स्ट में आपको केवल s मिलता है, सेकंड में आपको s और p मिलते हैं, d नहीं मिलता है. थर्ड ऑर्बिट में बच्चों आपको s मिलता है, आपको p मिलता है, आपको d मिलता है, आपको बच्चों थर्ड में f नहीं मिलेगा. यू डोंट हैव 3f. व्हाई? द सेम रूल, सेम रीजन बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू भी 3. अभी f के लिए l की वैल्यू 3 होती है ना, तो भैया क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 3 क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल, क्योंकि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 यानी कि 0 से लेके 2 तक होगी. तो ये पॉसिबल नहीं है. तो बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट में p नहीं होता, सेकंड में d नहीं होता, थर्ड में f नहीं होता, और फोर्थ में इसी तरह से g नहीं होगा बच्चों. तो ये जो है
भाई वनस, आपने जब अभी स्लॉट इंजरी क्वेश्चन पढ़ी थी, जब हमने कॉन्टर डायग्राम बनाए या नोड्स वगैरह देखे, तो हमने 1s देखा बच्चों, 2s देखा, हमने 3s देखा, देखा 1s, 2s, 3s देखा, हमने 2p देखा, और SH, मैंने आपको स्लॉट इंजरी क्वेश्चन के टाइम पर 3p नहीं बताया था, बट हमने वैसे तो 3p पढ़ा था जब हमने ऑर्बिटल के बारे में बात करी। हमने 3 जो है बच्चों 2d नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा था आपको समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। हमने 1p नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा वो भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा। तो 1 में p नहीं होता बच्चों, सेकंड में d नहीं होता, थर्ड में f नहीं होता, फोर्थ में g h i नहीं होते। तो बच्चों ये आपके पास में जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे बच्चों, n, और किसी भी सब ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, मैं एक बार फिर से रिपीट करूं बच्चों, किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों दैट इज गिवन बाय अंडर द रूट एल एल प्लस वन एच अपॉन 2π, और इससे मतलब नहीं है कि वहां n कितना है, n कितना है। मेरे कहने का मतलब अगर मान लीजिए मैं 2s सब ऑर्बिट के बारे में बात करूं, तो 2s के लिए l की वैल्यू कितनी बच्चों, 0। n 2 है, आई एग्री, n कितना बच्चों 2, n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है। एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। अब यहां पर बच्चों अगर मैं इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो वो 0 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा, 0, तो ये आ गया। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यदि मैं 3s की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 3s, तो 3s के लिए l की वैल्यू कितनी बच्चों, अगेन 0, क्योंकि s है और s के लिए l का मान कितना होता है बच्चों, 0। फिर भले ही वो थर्ड ऑर्बिट का है, माना मैंने वो थर्ड ऑर्बिट का है, लेकिन चूंकि वो s है बच्चों, इसीलिए s के लिए l की वैल्यू 0, और 0 रखोगे बच्चों तो कितना आएगा, 0 0 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। सो फिर बच्चों कुल मिलाकर मैं यूं बोल सकता हूं कि फिर भले वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, 6s हो, अरे s है ना, तो s के लिए l की वैल्यू कितनी, 0। s के लिए l की वैल्यू 0, तो एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा, इररिलेवेंट, इमटेरियल टू विच ऑर्बिट इट बिलोंग्स, वो कौन से ऑर्बिट का है वो मेरे लिए कोई काम का नहीं है। तो ये बच्चों जो है आपको क्या बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट एंड विच इज एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्बिट। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बच्चों यदि मैं बात करूं 2p की, तो l की वैल्यू 1, l की वैल्यू 1, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। इसी तरीके से बच्चों अगर मैं 3p की बात करूं, तो l की वैल्यू 1, एंगुलर मोमेंटम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई। सो सेम पिक्चर आपके सामने चलेगी, वैसी ही पिक्चर आपके सामने चलेगी जैसी कि पिक्चर थोड़ी देर पहले हमने देखी। भाई अभी हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला देखा था, तो वहां हमने सिंपली देख लिया कि हाँ s के लिए 0 था, p के लिए इतना था। अब आप देखो ना, अब वो s कोई भी हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, कोई भी हो, सबके लिए उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से बच्चों वो 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, कोई भी हो, यही आएगी बच्चों। सो ये एक बहुत काम की बात है बच्चों कि s कोई भी हो 0, p कोई भी हो यही आएगा, d कोई भी हो यही आएगा। सो एंगुलर मोमेंटम नोट कीजिएगा बच्चों एक बात जरूर से, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स n। किसी भी सब ऑर्बिट में बच्चों इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बच्चों n पे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ l पर डिपेंड करेगा, नथिंग एल्स। तो ये बच्चों जो है आपके पास में किसी भी ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट हो सकते हैं और कौन से ऑर्बिट में कौन कौन से सब ऑर्बिट हो सकते हैं, ये टेबल बड़ी व्यवस्थित रूप से उसको एक्सप्लेन कर रही है बच्चों। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूं और कुछ और यहां पर हम लोग बात करें बच्चों। देखिए इस वाले जो ये वाला जो क्वांटम नंबर है बच्चों, उससे आपको सब ऑर्बिट मालूम पड़ गया और सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मालूम पड़ गया, और आपने ये भी देखा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ n पर वो डिपेंड नहीं करता बच्चों। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े यहां पर बच्चों, और कुछ काम की मैं बात बताता हूं आपको। देखिए किसी भी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों 2 इंटू 2 एल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले देखा था बच्चों किसी ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं, किसी ऑर्बिट में हो सकते हैं 2 एन स्क्वायर,
किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 2n2। ऐसे ही किसी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों, 2 × 2l+1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब ऑर्बिट विच कैन बी अकोमोडेटेड इज गिवन बाय 2 × 2l+1। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यदि मैंने एस सब ऑर्बिट की बात करी, इफ आई टॉक अबाउट एस सब ऑर्बिट, तो एस सब ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू कितनी बच्चों, 0। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे बच्चों, 2 × 0+1, और ये हो जाएंगे बच्चों 2। आई रिपीट, एस सब ऑर्बिट में एल की वैल्यू 0, 2 × 2+0, ये कुछ आ जाएगा बच्चों। सॉल्व करके देखिए, एस के लिए एल की वैल्यू 0, 2 × 0+1, कुल मिलाकर ये आ गया। ऐसे ही बच्चों यदि मैं बात करता हूँ पी सब ऑर्बिट की, तो पी सब ऑर्बिट में एल की वैल्यू 1, और एल की वैल्यू 1 तो ये लीजिए साहब 2 × 1+1, यानी कि 2+1 = 3, 2 = 6। इसी तरीके से बच्चों इफ आई टॉक अबाउट डी सब ऑर्बिट, तो एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 2 होगी, तो ये 2 × 3+1, ओ ओ ओ 3 कहाँ से आएगा, यहाँ तो 2 ही आएगा, तो ये लीजिए साहब 2+1, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4+1 = 5, 2 = 10। सो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन डी सब ऑर्बिट। लाइक वाइज बच्चों यदि मैं एफ सब ऑर्बिट के बारे में बात करूं, तो एल की वैल्यू 3 होगी, ये 2 × 3+1, यानी कि 6+1 = 7, 7 × 2 = 14। सो एस सब ऑर्बिट जो है बच्चों, एस सब ऑर्बिट कैन एकोमोडेट एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब ऑर्बिट कैन एकोमोडेट एटमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी सब ऑर्बिट कैन एकोमोडेट एटमोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स, एंड एफ सब ऑर्बिट कैन एकोमोडेट एटमोस्ट 14 इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं बच्चों, तो वह है 2n² इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिट में 2n², और सब ऑर्बिट में कितने बच्चों, तो वो आपके समक्ष लिखें। ये कैसे हैं बच्चों, ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। ये मैंने जैसे 2n² रूल पढ़ाया था बच्चों, वैसे ये इसे आप 2 × 2l+1 रूल कह सकते हैं। और ये रूल कैसे आया बच्चों, ये भी इस चैप्टर के लगभग अंतिम भाग में हम पढ़ेंगे बच्चों। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन अ सब ऑर्बिट, किसी भी उपकक्ष में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, ये हमको बता रहा है भैया। और फिर मैं एक बात बोल रहा हूँ बच्चों, फर्स्ट में पी नहीं होता, सेकंड में डी नहीं होता, और इसी आधार पर बच्चों एक बात फिर से हम इस चीज़ को रिवाइज कर लें कि जो एस होगा, एस जो भी होगा बच्चों वो स्फेरिकल होगा। अब 1s जो होगा बच्चों वो छोटा होगा, 2s जो होगा बच्चों वो बड़ा होगा, और 3s जो होगा बच्चों वो और बड़ा होगा, और 4s तो माशा अल्लाह और भी बड़ा होगा। तो बच्चों होंगे सब स्फेरिकल, ऑल ऑफ देम आर स्फेरिकल। आप जानते हैं बच्चों जो एस होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, वो हर जगह पर एक जैसा ही दिखता है, और जैसे जैसे आप इसके न्यूक्लियस से दूर जाते हो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती जाती है। सेंटर पे बच्चों क्या होगा, जो कॉन्टर डायग्राम बनाओगे वहाँ पर सेंटर पे इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट्स बनेंगे उनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, फिर दूर जाने पर इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी, ये हम लोगों ने देखा है बच्चों। बट होंगे सारे के सारे स्फेरिकल, ये जितने भी होंगे बच्चों ये सारे के सारे कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। साइजेस में अंतर होगा, केवल साइजेस में अंतर होगा, ये छोटा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये और भी बड़ा। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर जो 2p है या 3p है बच्चों, उसके बारे में अगर हम बात करें, 1p तो होता नहीं है, ये मैं बहुत बार घसीट चुका हूँ, ये 2p, फिर बच्चों ये 3p, फिर बच्चों ये 4p, होप मैंने बराबर कुछ ऐसा करा है, नहीं भी करा हो तो चलिए मैं कर देता हूँ। ये कौन सा बच्चों, ये 2p है, और ये जो है बच्चों ये लीजिए, ये इससे बड़ा, और अगला वाला बच्चों उससे और भी बड़ा बना दीजिए, ये लीजिए, तो ये 2p, ये 3p, ये 4p होंगे, सब डम्बल्ड शेप के, ऑल ऑफ देम आर डम्बलाकार होते हैं बच्चों। और ये जो है साइजेस इनके, ये होंगे बच्चों, ये इनके साइजेस का ऑर्डर है, तो इस तरह से कुछ रहेगा बच्चों। एक बात और मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ये तो आप ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऊर्जा का क्रम, ऑर्डर ऑफ एनर्जी हम लोग एक बात जानते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्बिट की कम होती है, सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की और ज़्यादा, और फोर्थ की और ज़्यादा। बोर्स एटॉमिक मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, nth ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ऐसे ही कुछ होती है। तो बच्चों यहाँ जो है एनर्जी की ऑर्डर जो है वो ऐसी मिलती है, आपने देखा एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज बट द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स इज डिक्रीज। तो बच्चों ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी फर्स्ट की कम, सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की और ज़्यादा और फोर्थ की और भी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से बच्चों एस की एनर्जी कम, पी की ज़्यादा, डी की और ज़्यादा और एफ की और ज़्यादा। बच्चों ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, एस की एनर्जी आपको कम मिलेगी, पी की एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, डी की कम ज़्यादा मिलेगी और एफ की और भी ज़्यादा मिलेगी। और एस ऑर्बिटल बच्चों न्यूक्लियस के पास होता है, पी न्यूक्लियस से दूर होता है। ये मैं यूँ बोलूँ बच्चों, जैसे मैंने ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, अब मैं कोई भी इसमें ऑर्बिट बनाता हूँ, ये लीजिए मैंने ऑर्बिट, जिससे मैंने कहा मैं एक हाईवे से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मैंने चार लेन्स में डिवाइड किया, आई हैव डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। सो एस बच्चों पास में होगा, पी दूर होगा, डी और भी दूर होगा और एफ जो होगा बच्चों वो और भी दूर होगा। उनकी ज्योमेट्री सबकी अलग अलग होंगी, सम ऑफ देम आर स्फेरिकल, कुछ होंगे डम्बल, कुछ डबल डम्बल एंड कुछ वेरी कॉम्प्लेक्स टू ड्रॉ। सो बच्चों बट एक बात अटन है कि एस इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, पी इज बिट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, डी इज मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एफ इज अनडाउटेडली मोर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो बच्चों ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एस की एनर्जी कम, पी की एनर्जी ज्यादा और जो जितना दूर होगा नेचुरल बात है ना उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एस पास में, पी दूर, डी दूर और एफ और भी बच्चों दूर। तो ये बच्चों है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज है, जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज बच्चों कौन, हाइड्रोजन, जैसे हीलियम प्लस, जैसे लिथियम टू प्लस, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होती है बच्चों उनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज हैं उनमें एनर्जी बच्चों सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड करती है। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली जो होती है बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, एक से ज़्यादा, जैसे हीलियम, जैसे लिथियम, जैसे सोडियम, जैसे पोटेशियम वगैरह वगैरह, अब जो मल्टी इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज होती है बच्चों उनमें जो एनर्जी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन एल एंड एन, इन दोनों पर डिपेंड करती है बच्चों, एन और एल दोनों पर डिपेंड करती है। और कैसे डिपेंड करती है इसी चैप्टर में हम लोग आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली जो स्पीशीज होती हैं उनमें एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड करती है। मैंने बताया था ना आपको कि दिस बोर्स का जो मॉडल है बच्चों दैट इज एप्लीकेबल फॉर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, एक इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज के लिए होता है बच्चों। और अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर ये नहीं लग पाएगा, फिर इसमें कुछ फेरबदल करना पड़ते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेशंस देना पड़ते हैं, वो हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे। अदरवाइज अभी इतना जरूर समझिए बच्चों कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की जो स्पीशीज होती है उनमें एनर्जी जो होती है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ एन पर डिपेंड करती है, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है बच्चों उनमें एनर्जी की वैल्यू एल और एन दोनों पर डिपेंड करती है। अब एक बात और हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोग स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में नोड्स के बारे में बात कर चुके हैं, नोड्स, और दो तरह के नोड्स आपने देखे बच्चों, एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड। एक कौन से नोड्स देखे बच्चों आपने, रेडियल, और दूसरे कौन से देखे आपने, एंगुलर। अब यहाँ मैं एक बात बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ हमारे पास एक डायरेक्ट फार्मूला बनकर आ रहा है, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। जैसे कि आपने बच्चों जो एस सब ऑर्बिट थे उसमें आपने देखे थे कि आपके पास में कितने रेडियल नोड बन रहे, जैसे 1s में एक भी नहीं था, 2s में एक था, 3s में टू थे, ध्यान आ रहा होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन में पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का वो होता है बच्चों n minus l minus 1 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स बच्चों जो है जिसे आप लोग प्लेनर नोड भी कहते हो, प्लेनर नोड, डी जो पी सब ऑर्बिट होता है बच्चों उनमें आपने देखे थे कितने होते हैं बच्चों, एल। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने, n minus l minus 1 और एंगुलर नोड कितने होते हैं बच्चों, एल। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, कुल निष्पंदों की संख्या जो है बच्चों इन दोनों का सम कर दीजिए। जब आप इन दोनों का सम करेंगे तो जरा गौर कर लीजिए, ये n है, माइनस l है, माइनस 1 है और l है, जब इन दोनों का एडिशन करेंगे 12 से l कैंसल और ये कितना आ जाएगा भैया,
एन माइनस वन. सो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ नोड्स. ये आपके पास में टोटल नोड्स आएंगे. माइनस एल से प्लस एल कैंसिल हो गया बच्चों, आपके पास में कितना बचेगा एन माइनस वन. तो ये आपके पास में क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास में नंबर ऑफ नोड्स आ गई. कितनी नोड्स होंगी बच्चों, वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गई. टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन रेडियल नोड्स का मतलब क्या होता है बच्चों, फिर मैं बताऊं. वो जो डिस्टेंस चल लेने के बाद में जो नोड्स आते हैं. और प्लेनर नोड कौन से होते हैं, जैसे पी में आपने देखा था, पी एक्स में देखा था आपने, वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन होता है. पी वाई में जेड एक्स प्लेन होता है. पी एक्स वाई में सॉरी डी एक्स वाई में, डी एक्स वाई में वाई जेड और जेड एक्स होते हैं. हम इससे देखते हैं, चलिए देखते हैं, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा बच्चों. ये एनर्जी की ऑर्डर है, फर्स्ट की कम, सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की ज़्यादा, फोर्थ की और ज़्यादा. और एस पी डी एफ में बच्चों एस की कम, पी की ज़्यादा, डी की और ज़्यादा, और एफ की और ज़्यादा. अभी देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग जो आगे की बात करें, तो चलिए साहब थोड़ा सा इसमें और देख लें कि जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैं बात करूँ 1s की, 1s की, तो 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे बच्चों. ये रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स जो होंगे, मैं इसे आर एन लिख देता हूँ, एक सेकेंड. 1s की बात करूँ बच्चों, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, n की वैल्यू कितनी, 1. 1s, 1s मतलब n की वैल्यू 1, s है इसलिए l की वैल्यू 0 और माइनस 1. कुल मिलाकर कितने आ गए बच्चों, 0 आ गए. 1s में आप ध्यान कीजिए, 1s में कोई रेडियल नोड नहीं था, 1s में कोई रेडियल नोड नहीं था. न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी ज़्यादा थी और दूर जाने पर कम होती जा रही थी. न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं भैया, वो तो हाइजेनबर्ग कह चुका है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. इनफैक्ट हम लोगों ने भी स्क्रॉडिंगर इक्वेशन पे एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें आपको न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी और बोर्स रेडियस में इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी का रेशियो पूछा था, आपको ध्यान हो, जिसका आंसर 0 आया था. तो ये बच्चों 1s सब ऑर्बिट के बारे में बात करूं तो 1s सब ऑर्बिट में कितने, 0, ये रेडियल नोड्स. और रही बात एंगुलर नोड की बच्चों, तो एंगुलर नोड कितना होगा, s है ना, s है इसलिए l की वैल्यू 0, फिर भले वो 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, वंस आई से s तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड 0, L की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड 0. और रही बात आपके पास में रेडियल नोड, तो रेडियल नोड बच्चों 1 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 0. इसी तरीके से बच्चों इफ आई टॉक अबाउट 2s, तो 2s में क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ रेडियल नोड, अभी n की वैल्यू कितनी, 2. जब मैं बोल रहा हूँ 2s तो l तो n की वैल्यू कितनी बच्चों, 2. क्यों n की वैल्यू 2, सेकेंड ऑर्बिट l है बच्चों, इसलिए चूंकि s है इसलिए l 0, और ये कितना बच्चों 1, तो ये कितना आ गया कुछ ऐसा. और एंगुलर नोड जो आएगा बच्चों वो कितना आएगा, l की वैल्यू कितनी है बच्चों इसके लिए 0, तो एंगुलर नोड 0 आ गया. एंगुलर नोड कितना आ गया बच्चों, 0. एज यू कैन सी, पिक्चर समझ में आ रही होगी, n की वैल्यू 2 है, s है इसलिए l 0 है, माइनस 1, कुल मिलाकर ये एंगुलर नोड ये आ गया बच्चों. अब ऐसे ही बच्चों यदि मैं अगर बात करता हूँ चलिए 3s की, तो 3s में कितना होगा बच्चों, हाउ मैनी रेडियल नोड्स आर देयर, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 और n की माइनस 1, कितना आ गया बच्चों, 2. आपको ध्यान हो बच्चों, हम लोगों ने देखा भी था कि 2s में एक रेडियल नोड आया था, बकायदा अभी आप लोगों ने डायग्राम भी बनाया, 2s में एक ही रेडियल नोड आया था. कैसा आया था डायग्राम याद दिलाऊं बच्चों, ये कुछ ऐसा, ये कौन सा था, 2s का था आप लोगों ने बनाया था. तो यहाँ रेडियल नोड आ गए बच्चों 2, और जो एंगुलर नोड आएंगे बच्चों वो एंगुलर नोड कितने आ जाएंगे, 0. रेडियल नोड बच्चों इतने और एंगुलर नोड इतने, कुछ ऐसी कहानी आपके सामने आएगी. भाई ऐसा ना, तो एस में एंगुलर नोड या प्लेनर नोड तो मिलना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलना भैया, असंभव. एज यू कैन सी, इसी तरीके से बच्चों 1p तो मिलता नहीं है, 2p मिलता है. अब 2p में रेडियल नोड्स कितने आएंगे, 2p में रेडियल नोड्स कितने आएंगे बच्चों, n की वैल्यू 2, ये लीजिए n की वैल्यू 2, और l की वैल्यू कितनी बच्चों, 1 माइनस 1, कितना आया बच्चों, n की वैल्यू अगर देखो तो n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, और l की वैल्यू कितनी बच्चों, l की वैल्यू 1 माइनस 1, कितने आ गए रेडियल नोड. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो रेडियल नोड इसमें 0 आ गया, देयर इज नो रेडियल नोड. और रही बात बच्चों एंगुलर नोड की, तो इसमें एंगुलर नोड कितना आएगा, l की वैल्यू कितनी बच्चों, l की वैल्यू 1, तो इसमें एक एंगुलर नोड आएगा. 2p में भाई n की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 मतलब 0 आ गया, और एंगुलर नोड बच्चों 1 आ गया.
आपको ध्यान हो बच्चों, पी में एक प्लेनर नोड होता है, पी में एक प्लेनर नोड होता है, कैसा होता है मैं वो आपको याद दिलाऊं। और चलिए साहब, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप पी एक्स की बात करें तो पी एक्स में वाई जेड प्लेन नोडल प्लेन था, ऐसे पी वाई में बच्चों जेड एक्स प्लेन नोडल प्लेन था, ऐसे बच्चों पी जेड में एक्स वाई प्लेन नोडल प्लेन था, यही कुछ देखा था आपने। अब पी एक्स में वाई जेड, पी वाई में जेड एक्स, और पी जेड में क्या बच्चों एक्स वाई, तो एक नोडल प्लेन आता है इसमें, एक एंगुलर नोड आता है इसमें। इसी तरीके से बच्चों यदि मैं थ्री पी की बात करूं तो रेडियल नोड कितने आएंगे, रेडियल नोड आएंगे बच्चों इसमें थ्री माइनस वन माइनस वन, यानी इसमें एक रेडियल नोड आएगा। ऑफकोर्स टू पी और थ्री पी के बीच में एक जगह ऐसी आएगी बच्चों जहां पर नोड बनेगा, जैसे 1s और 2s के बीच में, भाई ये आपने कॉन्टर डायग्राम बनाया था 1s का, फिर आपने कॉन्टर डायग्राम बनाया था बच्चों 2s का, ये ध्यान दीजिए आपने ये किसका बनाया था 1s का और ये 2s का, इनके बीच में जो रीजन था बच्चों दैट वाज रिप्रेजेंटिंग रेडियल नोड। लाइक वाइज बच्चों 2p और 3p के बीच में एक आप 2p का डंबल बनाएंगे, फिर आप एक 3p का डंबल बनाएंगे, इनके बीच में एक जगह ऐसी आएगी बच्चों जहां पर आपको रेडियल नोड मिलेगा, रेडियल नोड मिलेगा यहाँ पर वन, यहाँ पर एक भी नहीं मिलेगा क्योंकि 2p के अंदर कोई और p नहीं होता, 2p के अंदर 1p नहीं आता, जैसे 2s के अंदर 1s आया था, 3s के अंदर 1s और 2s दोनों आए थे, वैसे ही बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2p के अंदर कोई p नहीं था, 3p के अंदर एक 2p था, इसीलिए उन दोनों के बीच में एक जगह ऐसी होगी जहाँ पर यह होगा। और रही बात बच्चों एंगुलर नोड की, तो एंगुलर नोड जो आएगा वो इसका कितना आएगा बच्चों 1। Obviously, आप अगर बात करो, मैं बात करूं अगर 3px की, तो 3px में कौन सा नोडल प्लेन होगा, YZ प्लेन, 3px में कौन सा नोडल प्लेन होगा बच्चों YZ प्लेन, ऐसे ही बच्चों 3py में, 3py में कौन सा प्लेन होगा बच्चों ZX प्लेन, इस तरह से। तो ये बच्चों आपके पास में रेडियल नोड्स आ गए, ये आपके पास में एंगुलर नोड आ गए, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स आप इनकी संख्या निकाल के कर सकते हो, ऐसे डीएफ के लिए भी कर सकते हो। तो ये कुछ आपके पास में बच्चों कितने रेडियल नोड्स बनेंगे और कितने एंगुलर नोड्स बनेंगे, ये आपने संख्या लिखी है। यहाँ एक बात का और आपको ख्याल रखना है बच्चों, यहाँ एक बात का आपको और ख्याल रखना है कि इस केस में हमने जो इन्फिनिटी पर नोड अगर बनता है तो उसको हमने काउंट नहीं किया है, एस सच इन्फिनिटी वो स्पेस होगा बच्चों जहाँ आपको, क्योंकि क्या होता है देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है बच्चों वहाँ हम बोला करते हैं नो, वो उसे हम बोला करते हैं ऑर्बिटल। अब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमको पॉसिबिलिटी नहीं मिलती, उस जगह को हम बोला करते हैं नोड, निस्पंद कहा करते हैं कहते हैं, और इन्फिनिटी पर भी नोड मिला करता। जब आपने स्क्रॉडिंजर इक्वेशन पर अभी सम्स किए थे बच्चों तो मैंने आपको इन्फिनिटी पर भी नोड बताए थे, और जब हमने ये फार्मूला लिखा बच्चों तो हमने इन्फिनिटी के नोड्स को काउंट नहीं किया। अगर इन्फिनिटी के नोड को भी काउंट कर लिया जाए तो फिर बच्चों ये माइनस वन नहीं आएगा, फिर ये माइनस वन नहीं आएगा, और नंबर ऑफ नोड्स अगर आप निकालेंगे तो वो भी फिर भैया एन माइनस वन से एन हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी फार्मूला ये था, यहाँ पर ये था, दोनों को ऐड किया, कैसे ऐड किया वो मैं करके बता चुका हूँ, ये आया। बट इफ नोड्स एट इन्फिनिटी आर ऑल्सो टेकन इन टू द अकाउंट, इफ नोड्स at infinity are also taken into the account, then what does happen? बच्चों फिर ये माइनस वन आप यहाँ से हटाएंगे और यहाँ ऑब्वियसली यहाँ से भी हट जाएगा। जैसे अभी मैं अगर बात करूँ बच्चों 1s की, तो 1s के लिए जरा गौर कीजिए क्या होगा, 1s के लिए भैया ये रहा 1s, अब उसमें रेडियल नोड्स कितने आएंगे बच्चों, उसके रेडियल नोड्स आएंगे n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, रेडियल नोड आएगा 1, और वो रेडियल नोड कहाँ आएगा बच्चों, एंड नेचुरली दैट रेडियल नोड यू विल फाइंड एट इन्फिनिटी। हाँ रही बात एंगुलर नोड की, तो वो एंगुलर नोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन दोनों का सम 1 आ जाएगा, वो ऑब्वियसली इन्फिनिटी पर होगा। ऐसे ही बच्चों यदि सपोज कीजिए चलिए मैं 3s की बात करूं, तो 3s में रेडियल नोड कितने आएंगे, 3s में रेडियल नोड आएंगे n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, माइनस 1, अब अच्छा माइनस 1 तो इस बार हम करेंगे नहीं, इस बार हम करेंगे नहीं, तो कितने आएंगे इस बार रेडियल नोड, इस बार रेडियल नोड आएंगे बच्चों 3, इस बार रेडियल नोड आएंगे 3, और कौन कौन से आएंगे, वो जो 3 रेडियल नोड आएंगे बच्चों उनमें से एक आएगा कौन सा, बिटवीन 1s एंड 2s, उनमें से एक रेडियल नोड होगा बच्चों 1s 2s के बीच, एक रेडियल नोड होगा बच्चों बिटवीन 2s एंड 3s, बिटवीन 2s एंड 3s, और एक रेडियल नोड होगा बच्चों कहाँ पर, एक रेडियल नोड होगा इन्फिनिटी पर। एज सच हम लोग नॉर्मल वेज में इन्फिनिटी के नोड को काउंट नहीं करते, मैंने आपसे कहा भी है
अगर प्रॉब्लम में मेंशन हो कि इन्फिनिटी के नोड को काउंट कीजिए तो माशाल्लाह आप काउंट कीजिए, अदरवाइज क्यों काउंट करें जब वो ही नहीं चाह रहे। तो क्वेश्चन पूछने वाला अगर नहीं चाह रहा है तो आपको भी चाहने नहीं है बच्चों, आपको वही चाहना है जो लोग नॉर्मली चाहते होते हैं। एनीवेज सो बच्चों ये आपके पास में क्या है, नंबर ऑफ रेडियल नोड और एंगुलर नोड। मैंने आपसे कहा था बच्चों कि जब आप क्वांटम नंबर्स के बारे में और डील कर लेंगे, जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन और ऑर्बिटल, तो आपको पूरी पिक्चर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। और अजीमुथल क्वांटम नंबर बहुत जोरदार तरीके से सारी बातों को डिस्क्राइब करता है। तो बच्चों ये जो है इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी हमने कहा है, और कारण क्या बच्चों उसके पीछे रीजन सिंपल सा ये है, बिकॉज दिस गिव्स यू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब ऑर्बिट। किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, चूंकि हमको वो भी मालूम पड़ता है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया बच्चों एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और इसी पर बेस बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा सम कराता हूँ। चलिए एन प्लस एल इक्वल्स टू सेवन आपको दे रखा है, n प्लस एल इक्वल टू सेवन दे रखा बच्चों। इसमें पूछा है कि कौन कौन से सब ऑर्बिट होंगे बताइए, या यू बोल दीजिए कि कितने सब ऑर्बिट होंगे, आइदर दे कैन आस्क विच सब ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, और ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ मैनी सब ऑर्बिट्स आर पॉसिबल। वीडियो को बच्चों पॉज करके आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए n प्लस एल इक्वल टू सेवन, तो n प्लस एल इक्वल टू सेवन से क्या होगा बच्चों, इसमें n की वैल्यू सेवन ले लीजिए, l की वैल्यू जीरो ले लीजिए, सम सेवन आ रहा है, n की वैल्यू 6 ले लीजिए, l की वैल्यू 1 ले लीजिए, सम 7 आ रहा है, n की वैल्यू 5 ले लीजिए, l की वैल्यू 2 ले लीजिए, सम 7 आ रहा है। भाई आपको सम 7 लाना है, तो सम 7 कैसे आ सकता है, मैंने n की वैल्यू बच्चों मैंने 7 ली, l की वैल्यू मैंने 0 ली, ये आ गया 7, और n की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 0, मतलब दिस इज 7s, n की वैल्यू 7, l की वैल्यू 0, मतलब 7s। इसी तरीके से बच्चों n की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 1, n की वैल्यू 6 और l की वैल्यू 1 बच्चों, मतलब इन दोनों का भी सम 7, तो ये कब पॉसिबल है बच्चों, ये है 6p, n है 6, l है 1, सम 7, 6p, क्योंकि n की वैल्यू 6 मतलब 6 हो गया बच्चों, और l की वैल्यू मतलब वो p हो गया, तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 6p। इसी तरीके से n की वैल्यू बच्चों 5, l की वैल्यू बच्चों 2, तो सम कितना हो गया बच्चों इन दोनों का, ऑब्वियसली 7 आ गया, और ये क्या होगा बच्चों 5d हो गया। इसी तरीके से बच्चों n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 3, क्योंकि एक बात आप जानते हैं बच्चों, जो भी इनकी वैल्यूज लेनी है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ही लेनी है। सो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, 4 प्लस 3 कितना बच्चों 7, और ये क्या होगा बच्चों 4 और l की वैल्यू 3 मतलब 4d ये हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों यदि मैं n की वैल्यू 3 ले लूं तो l की वैल्यू 4 हो जाएगी और सम 7 आ जाएगा, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 4, सम 7 आ जाएगा, तो ये जो आएगा बच्चों ये कौन सा केस आएगा, दिस वुड बी इक्वल टू 3g, ये 3g होगा, और आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि 3g पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, सबसे पहली बात तो बच्चों जो L होता है उसकी वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक होती है, द वैल्यू ऑफ L इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, वैल्यू ऑफ L इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, 0 से लेके n माइनस 1 तक होती है। क्यों बच्चों, उसके पीछे सीधी सीधी अभी हम लोगों ने देखा है, तो अब अगर आप n की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो तो l की वैल्यू आप 4 कैसे पुट कर सकते हो, अगर आपने n की वैल्यू 3 पुट करी है तो l की वैल्यू 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 तो नहीं रख सकते ना, यू कैन नॉट पुट इट इक्वल्स टू 3। सो बच्चों यहां देखिए n की वैल्यू 7, l की वैल्यू 0, तो ये 7s, n की वैल्यू 6, l की वैल्यू 1, तो ये 7 6p, n की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 2, तो 7 5d, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि l 0 से लेके n माइनस 1 तक हो सकता है, इवन ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप एक मिनट के लिए ऐसा कर दें कि n की वैल्यू 4 कर दें और l की वैल्यू भी 4 कर दें, n और l दोनों को 4 कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर n 4 रखा है तो l की वैल्यू हद से हद तक 3 रख सकते हो, इफ n इज 4 देन l कैन मैक्सिमम बी इक्वल टू 3, नथिंग मोर देन दैट। तो बस अब आपके पास में यही वाले केस आएंगे, क्योंकि इसके बाद में अगर आप कुछ और लेंगे तो वो सारे वायलेट हो जाएंगे। कैसे भाई, जैसे n की वैल्यू 2 ली
तो एल की वैल्यू 5 करना पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। सो बियॉन्ड दिस केस, इस केस के बाद के सारे केसेस रिजेक्टेड। तो आपके पास में ये बना बच्चों, ये बना आपके पास में, ये बना आपके पास में, ये बना। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 4 तरह के सब ऑर्बिट पॉसिबल हैं, 7s, 6p, 5d और 5 एक सेकेंड, ये 4f होगा, 4f। शायद आप लोगों ने इसको डिटरमाइन कर लिया होगा, रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि हाँ साहब मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। ये लीजिए 4f, क्योंकि n की वैल्यू 4 मतलब 4 और l की वैल्यू 3 मतलब f। तो ये हो गया साहब। तो कौन कौन से सब ऑर्बिट पॉसिबल है, n प्लस l इक्वल्स टू 7 को सेटिस्फाई करने वाला बच्चों 7s पॉसिबल है, 6p पॉसिबल है, 5d पॉसिबल है और 4f पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद के पॉसिबल नहीं होंगे। इसके अलावा और कोई सब ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। तो कई बार इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि आपको n प्लस l दे दिया और पूछेंगे बताओ बताइए कितने सब ऑर्बिट पॉसिबल है, या कौन कौन से सब ऑर्बिट पॉसिबल है, या इवन n प्लस l इक्वल टू 7 को सेटिस्फाई करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है, n प्लस l इक्वल टू 7 को सेटिस्फाई करने वाले कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होंगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा बच्चों s में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अब p में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d में बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और f में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। s कैन एकोमोडेट एटमोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बच्चों किसी भी सब ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों 2 × 2l + 1। तो S में 2, P में 6, D में 10, F में 14, कुल मिलाकर अगर देखा जाए बच्चों तो सॉल्व करके देखिए, इन टोटल यू कैन से दैट n प्लस l इक्वल टू 7 को सेटिस्फाई करने वाले बच्चों कुल मिलाकर 32 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो सकते हैं।